नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग बिलासपुर के काटीखार एरिया में आए हुए हैं और दोस्तों हम लोग फिर से हाजिर है अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाकर कुछ परिवार और कुछ लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि आपकी दुआ हमारे साथ है इसलिए हम लोग इस खतरनाक काम को आसानी से कर जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आखिरकार क्या सांप है और यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं। यहाँ घर के बाहर आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक सांप है, जो हमारे भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया का 10 सबसे जहरीले सांपों में से एक है। कुछ यंग कमर्स लोग स्टंट करने के चक्कर में या फिर इस चीज़ को नहीं समझ पाने के चक्कर में इसको अजगर समझकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और आखिरकार ऐसा ही एक केस हुआ है, महाराष्ट्र का है, जिनका नाम दिलीप है। और उनके साथ ये केस हुआ कि आखिरकार उन्होंने जब इस सांप को पकड़ने के लिए गए, शायद वो इस सांप को पहचान नहीं पाए थे। और इस वीडियो में देखिएगा कि कितना बड़ा उनके साथ हादसा हो गया था। अना प्लाय खींच लो तो सांप अजगर नहीं है। आप इसके पैटर्न को देख सकते हैं कि इसके ऊपर काले और सफेद कलर के देखिए छल्ले बने होते हैं और अजगर का पैटर्न बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पर कुछ भैया खड़े थे और उनका भी यही सोच था कि ये अजगर है और अजगर का बच्चा है। इसी चक्कर में एक अभिहाली में जिस तरह से बताया कि मुंबई का एक लड़का है, वो हीरो बनने के चक्कर में, स्टंट करने के चक्कर में अजगर समझ के पकड़ने गया और उसकी बाइट हुआ और वो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आईसीयू में है। आप कोई वीडियो सेंड कीजिएगा। हाँ जी, ये भी आराम से इसके ऊपर ही लोग लगते हैं फिनाइल वगैरह। फिनाइल स्प्रिट आप लोग इसके ऊपर डाले हैं क्या? थोड़ा पानी में डाल दो उसको। पानी लाइए ना, पानी में डालते ताकि इसको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले। वो कुछ मत सोचिए। बस शैम्पू से धोने की जरूरत है? धो दे ना। स्किन पे लग गया ना, इसकी वजह से इसको नुकसान होगा, मौत हो जाएगा उसका। आराम से, आराम से। भारत में पाए जाने वाले जितने भी सांप हैं उनके जहरीले दांतों में सबसे लंबे दांत इसी के होते हैं। हाँ, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, यही उसके जहर के दांत हैं। जनरली कोई भी रेस्क्यूअर, खास करके जो प्रोफेशनल है, इसका सर को पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार अपने नीचे का जो उसका जबड़ा होता है उसी को छेद के जो उसको मुंडी पकड़ता है उसके हाथ को काट देता है। तो इतना खतरनाक सांप है ये। जहर भी आ गया। तो से एक बूंद जहर इंसान की मौत का कारण बनता है।
हाँ, जो ये पीला पीला टपका है ना, ये जहर ही है। नाके के ऊपर नीचे दो भी जिसे दिखना चाहिए। पानी देना पड़ेगा मक्का में। हम मित्र से बचाना चाहते हैं। इसको चोट पहुंचा नहीं था, नहीं किया। नहीं नहीं, आप अपने सेफ्टी के लिए किए ना, आप जाने जाने में किए। थोड़ी ना मालूम का ऐसा कुछ होता है। नीचे के लिए आप लोगों को छिपके नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम बस तुम ध्यान दो उस पे। ऊपर लाइए, ऊपर लाइए, आप डरिए मत, ठीक है? आप एक तो आप सिमिलरली रहिए। हां छोड़ रही हूँ। थोड़ा हाथ पोछने के लिए हाथ बचाएंगे। यूट्यूब पे हम लोगों का चैनल है कमल चौधरी करके आप सर्च करिए, काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बारिश का दिन अब सीधे धीरे धीरे ठंड आने लग रहा है और ये जो सांप है ये स्पेशली ठंड का सांप है, तो इसका बाइट के केसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसको शेयर ऐसे करिए कि हर किसी तक पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। हाय हाय।